नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे ऐसी गलती कर बैठे कि पूरी की पूरी सिविल खराब हो गई। मतलब कि सिविल 500 तक पहुंच गया और एक्सपीरियंस 500 तक पहुंच गया, सिविल का पता ही नहीं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सही करना चाहते हैं, सही नहीं हो रहा है। चलिए आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका सिविल एक्सपीरियंस ये दोनों में, अगर आपके दोनों ब्यूरो में अगर स्कोर है, अगर आप एक गलती करते हो तो इनमें से आपका पहले कौन एकदम गायब हो जाएगा, कौन आपका रहेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो एक कहानी है लॉकडाउन की। लॉकडाउन के पहले इतना पैसा था, लोग इतना कमा रहे थे। लॉकडाउन आया, यहाँ पे पैसों की बहुत दिक्कत आ गई। अब मान लो लोन अगर 10 जगह से ले लिया है, कार्ड का ड्यू बाकी है, तो इकट्ठा पैसा कहाँ से पेमेंट करेंगे। अब हुआ कहानी ये कि चलो लॉकडाउन के बाद थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते गए, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफॉल्ट हो गए कि अब पेमेंट करने के बाद भी सिस्टम बिगड़ गया है, सिविल का पता नहीं है, एक्सपीरियंस 500 तक पहुंच गया है। अगर मैं यूटिलाइजेशन की बात करूं तो 100% के ऊपर यूटिलाइजेशन भाग गया है। अब सोचिए कि ये सही कैसे होगा। ये बहुत बड़ी बात है जो काफी लोग इस चीज से परेशान रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन में आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार बैंक और एनबीएफसी कंपनी सिविल में किसी टाइप का रिपोर्टिंग गलत एंट्री नहीं कर सकती हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनियां थी जो गुप्त तरीकों से उसके बाद जाके पेमेंट डिफॉल्टर वहां पे ऐड कर दी। काफी लोग का नहीं हुआ और काफी लोग का तो बर्बाद ही हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट करने के बाद ही नियम सही नहीं रहा, कोई तरीका तो है। सो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सिविल अगर पेमेंट डिफॉल्टर या लेट करने के बाद खराब होता है, आप इसको जल्दी सही नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आप जब भी इसका पेमेंट करोगे तो पेमेंट रिसीव होने के बाद ये बैंक और कंपनी के ऊपर है कि कब तक वो आपका क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी ये लोग क्लियर नहीं करते हैं, भले से स्कोर को रैंकिंग पे ला देंगे पर आपको लोन क्रेडिट कार्ड तो नहीं मिलेगा। तो फिर अगर आप भी कभी डिफॉल्टर या कभी आप पेमेंट नहीं कर पाए, मुसीबत की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आप फ्रेंड कभी भी अगर पेमेंट करने जा रहे हैं तो पहले बैंक या कंपनी से उनसे एग्रीमेंट करो, उनसे बातें करो। और एग्रीमेंट तभी करना, वो भी अगर आपका पेमेंट बड़ा है तो किसी लॉयर किसी वकील के थ्रू नोटिस के थ्रू इस चीज को एग्रीमेंट करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पेमेंट करने के बाद उनका पूरा राइट है कि वो आपका सिविल को पूरा एकदम क्लियर कर दें। अगर आप उनसे किसी टाइप का एग्रीमेंट या उनसे बातें नहीं करते, पेमेंट कर देते हो, फिर वो आपको ऐसे ही परेशान करके आगे तक लेके जाएंगे। जब मन करेगा तब वो सही करेंगे, रिपोर्टिंग डालेंगे, जब मन नहीं करेगा ऐसे ही पड़ा रहेगा। टाइमिंग 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बीत जाएगा और आप परेशान रहोगे। तो कभी भी अगर आप ऐसा गलती में फंसे हो तो विदाउट लॉयर से बात किए, सेटलमेंट किए और इस चीज का पूरा एकदम क्लियरिफिकेशन लेने के बाद ही, कोई लेटर लेने के बाद ही ये काम करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी लॉयर के थ्रू अगर ये काम करते हैं तो आपकी बहुत इसमें हेल्प हो सकती है। मतलब तो काफी केस मैंने देखा है, पेमेंट कर दो, एनओसी लेटर मिल जाता है, पूरी प्रॉब्लम क्लियर होती है, फिर भी सिविल जल्दी सही नहीं होता है। तो अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप ये काम जरूर कर लें। भाई इनकी तो सिविल की पूरी हिस्ट्री एकदम वाट लग गई है, अभी पेमेंट भी कर रहे हैं फिर भी ये जल्दी सही नहीं हो रहा है। तो पहले आपका सिविल ही गायब होता है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे गायब होता है, ये है पूरी रियलिटी। तो आपने देख लिया, जान लिया, तो भाई आप भी थोड़ा से सतर्क रहें, ऐसी कोई गलती ना करें। अगर आपसे गलती जाने जाने में हुआ है, आपकी गलती नहीं है, प्रॉब्लम कैसे किए हैं, तो आप इन सारे रूल और नियम को फॉलो करें, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप बताना क्या ये बैंक और कंपनी का नियम सही है गलत है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और कौन कौन लॉकडाउन में डिफॉल्टर बन गया था वो भी आप लोग बताना कमेंट में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेडुसा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।